नया चेहरा है पीयूष कुमार, जो कि धानुक जाति का जैसे शेर पैदा लेता है ना, उस तरह से शेर हैं। एकदम 100% उनके साथ हैं। पीयूष प्रियदर्शी को क्यों चुन रहे, कोई वजह होगा? वजह उनका विकास का मुद्दा है। अब दो गो बाहुबली के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ है तो कम बड़ी बात है। उम्मीद है पीयूष प्रियदर्शी जी है, एकदम खनखन उम्मीद है। बाहुबली के राइफल बंदूक लेकर के मर्डर करे का काम है पीयूष भैया के सामने। पीयूष भैया जीतेगा, जीतेंगे 100% जीतेंगे। कितना लाख से? बहुत जीतेगा। हाँ जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो कह दिया तो कह, एकदम कोई इसमें कोई शक नहीं है पीयूष भैया एकदम। बस जैसा कि भाई साहब ने बताया, इन्होंने बिल्कुल फैक्ट बात, विकास विकास का मुद्दा जो है उनके पास है ही नहीं। अशोक महतो क्या उसका कोई वैल्यू है? अशोक महतो के दर्शक क्या माहौल बना हुआ है? जीत के आएंगे तो काम तो करेंगे ही, उनको हम जो है ना एक बहुत पहले से ही जान रहे हैं और समाज के लिए जो है ना बहुत कुछ किए हैं। उनको राष्ट्रीय जनता दल से जो टिकट मिला है, तो टिकट मिला है काहे के लिए? अभी जितना है क्रिमिनल उसी को टिकट मिलता है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में है और ऐसे में आज पीयूष प्रियदर्शी नॉमिनेशन करने पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे साथ लोग हैं, उनके समर्थक हैं, हम बातचीत करें। क्या माहौल है? पीयूष प्रियदर्शी टक्कर दे रहे हैं? हाँ पीयूष टक्कर देगा। उम्मीद है पीयूष प्रियदर्शी जी है, एकदम खनखन उम्मीद है। अशोक महतो को दे दिया टक्कर? हाँ उसको टक्कर दे दिया। जाति होता है भैर बदा। कितना वोट से जीतेंगे? 1,00,000 से तो जीत जाएगा। 1,00,000 से? हाँ काम उम्मीद है कि जीत के आएंगे तो काम होगा, बहुत काम होगा। देखिए और भी लोग हैं, क्या लगता है इस बार उम्मीद है पीयूष प्रियदर्शी? हाँ बहुत बहुत बहुमत से जीतेगा। माहौल बना है इस बार, टक्कर देंगे? टक्कर देंगे, धानुक सम्मेलन है। सम्मेलन है धानुक पूरा एक साथ है? एक साथ है। अच्छा उम्मीद है? कोई वैल्यू नहीं देता है धानुक को। काम नहीं करते हैं। चलिए और भी लोग हैं, क्या नाम है? शशि रंजन कुमार। उम्मीद है इस बार इनका पीयूष प्रियदर्शी का माहौल बना है? पीयूष भैया जीतेगा। जीतेंगे 100% जीतेंगे। कितना लाख से जीतेंगे? बहुत जीतेगा। हाँ जीतेंगे 100% जीतेंगे। तो कह दिए तो कह दिए। क्या इस बार टक्कर? एकदम कोई इसमें कोई शक नहीं है पीयूष भैया एकदम। बस बाहुबली खड़े हैं अशोक महतो सामने। अशोक महतो क्या उसका कोई वैल्यू है? अशोक महतो के इधर क्यों कर रहे पीयूष भैया? बाहुबली के राइफल बंदूक लेकर के मर्डर करे का काम है पीयूष भैया के सामने। इनका बोलबाले इतना है कि पूरे धानुक समाज, पूरे मुंगेर, हर जात एकदम 100% उनके साथ हैं। हम लोग पीयूष प्रियदर्शी को क्यों चुन रहे, कोई वजह होगा? वजह उनका विकास का मुद्दा है। वो चाहे गांव ग्राम में कुछ नहीं हुआ, उसका मुद्दा है कि गांव ग्राम को एकदम चमका देंगे। उम्मीद है कि काम करेंगे। क्या एकदम क्या पूरे काम, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, सब चीज में काम, नाला। देखिए जो लोग हैं उनके समर्थक आए हैं। उम्मीद है इस बार दो लोग सामने खड़े हैं, अशोक महतो हैं, ललन सिंह हैं। टक्कर दे पाएंगे उनके सामने? देखिए सर, अशोक महतो हुए, चाहे आपको ललन सिंह हुए, और नया चेहरा है पीयूष कुमार, जो कि धानुक जाति का जैसे शेर पैदा लेता है ना, उस तरह से शेर हैं। धानुक का शेर है पीयूष प्रियदर्शी। हाँ कहा है कि पढ़े लिखे योग इंसान है। हाँ काम करेंगे, लेकिन ललन सिंह को अच्छा अशोक महतो से उम्मीद है? देखिए सर, अशोक महतो जो हुए ना, उनको राष्ट्रीय जनता दल से जो टिकट मिला है, तो टिकट मिला है काहे के लिए? अभी जितना है क्रिमिनल उसी को टिकट मिलता है। अब भाजपा में जो है ना राष्ट्र, तो ये पढ़े लिखे है इसलिए इनको वोट दीजिए। हाँ वो तो बस राइफल टांगते हैं, राइफल टांगने वाले, और ये पढ़े लिखे हैं। देखिए इधर भी लोग हैं, उम्मीद है इस बार टक्कर दे रहे हैं। माहौल पूरा देख रहे हैं, बिल्कुल माहौल माहौल है। बड़े बड़े दो नेता भी सामने हैं, कहाँ तक इनको टक्कर दे पाएंगे? कितना लाख से जीतेंगे? जैसा कि भाई साहब ने बताया, इन्होंने बिल्कुल फैक्ट बात बताया। विकास विकास का मुद्दा जो है उनके पास है ही नहीं है। विकास का मुद्दा नहीं है उनके पास। आप लोग पूरा धानुक जा रहे हैं पीयूष? वो भी धानुक हैं। देखिए पूरे धानुक समाज पीयूष प्रियदर्शी के साथ। क्या नाम है? ओम प्रकाश। पीयूष प्रियदर्शी जी को जिता रहे? देखते हैं, चांस चांस है।
सामने बड़े बड़े दो दिग्गज नेता भी मैदान में हैं। रहता है तो बहुत शेर दिग्गज है लेकिन चोर बदमाश है ना। यहाँ तो बात अति नहीं बोल रहे हैं। साथी वाला कहाँ है, काम करने वाला कहाँ है? न गाँव में पानी ठीक से आता है, न कोई कुछ नहीं होता। मैं एकदम मुंह दिखाता है तो बस उड़ते जाता है। अशोक महतो भी है इस बार, कितना हाँ तो जो भी है बढ़िया होगा, जो हम लोग जाएंगे उस पर जाएंगे बस। प्रदर्शित क्या माहौल बना हुआ है एकदम। देखिए जो लोग हैं हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और भी लोग, हम उनसे जो बातचीत करेंगे। इस बार उम्मीद है पीयूष प्रियदर्शी का? हाँ पक्का ही होगा। माहौल बन रहा है कि मतलब जीतेंगे इस बार? हाँ जीतेंगे, 100% जीतेंगे। उम्मीद है कि काम करेंगे अगर जीत कर आते? हाँ जीत के आएंगे तो काम तो करेंगे ही, क्योंकि उनको हम जो है ना एक बहुत पहले से ही जान रहे हैं और समाज के लिए जो है ना बहुत कुछ किए हैं। तो देखिए जो युवा हैं, नवयुवक हैं, किस तरह से पानी का बोतल हाथ में लिए आए हैं जिताने के लिए। उम्मीद है इस बार जीत रहे हैं? वो तो वक्त ही बताएगा ना, रिजल्ट ही बताएगा ना। वोट तो लोग अपना मत है अपना देगा, इंडिविजुअल वोट है और क्या। लोग पूरा जोर तोड़ लगाए हुए हैं। इस बार सामने भी नेता है, कड़ी टक्कर चल रही है। इस बार कितना माहौल? अब दो गो बाहुबली के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ है तो कम बड़ी बात है। चले चबा दीजिएगा इस बार। उसको डर है, इसको डर किस लिए रहेगा? उसको डर है कहीं की नहीं निकल है कि जीतेंगे तो काम। वो तो वक्त ही बताएगा ना। अभी हम कैसे बोल देंगे कौन जीतेगा, आप बता दीजिएगा कि कौन जीतेगा। जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं कहते नजर आ रहे हैं कि भले ही जो लोग जीत कर आते हैं लेकिन दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी ओर जो छवि के लोग हैं वो आप साफ जानते हैं तमाम बातों को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से मुंगेर में जो पीयूष प्रियदर्शी का माहौल देखने का साफ मिल रहा है। तमाम बातों के साथ छोड़ते जाए, तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहें, इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.